नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव के लिए कल यानी कि 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। हर कोई लोकसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि देश में बीजेपी और इंडिया गठबंधन में से किसकी सरकार बनेगी। इस बीच मुंबई के सट्टा बाजार ने राजस्थान के कुछ हॉट सीटों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। सट्टा बाजार के इस अनुमान से बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। राजस्थान की इन 3 सीटों पर बीजेपी की टेंशनें बढ़ी हुई हैं। कुछ हॉट सीटें जहां सट्टा बाजार बहुत सक्रिय है, उन्हें फैंसी सीटें कहा जाता है। मुंबई सट्टा बाजार ने ऐसे ही कुछ सीटों पर जीत हार का अनुमान लगाया है। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक चूरू, झुंझुनू और बाड़मेर सीट कांग्रेस जीत रही है। यहां बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है। तो वहीं कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के जीतने का अनुमान है। शेयर बाजार के निवेशकों के बीच अभी भी इस बात को लेकर बेचैनी है कि भाजपा का 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा या नहीं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी बहुमत से काफ़ी दूर रह सकती है, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो मार्केट के ऊपर जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन जीत की ओर बढ़ता है तो PSU रक्षा, ड्रोन, MSC तार और केबल, धातु, प्लास्टिक पाइप और EMS जैसे क्षेत्रों की कंपनियों को बड़े नुकसान होने का अंदेशा है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।